हेलो, गुड मॉर्निंग रचे। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह ना कभी मेरे अंदर कभी रचित के अंदर एक मॉन्स्टर आता है। उस मॉन्स्टर का क्या नाम है? लेजुआ नाम है। ये नाम मम्मा ने उसको दिया, पता? अब वो आके क्या बोलता है तुमको? वो मॉन्स्टर आके तुमको क्या बोलता है रचे? सोने बोलता है तुमको, सो जाओ। और फिर तुम मम्मा को क्या बोलते हो? सो जाओ। और वो मॉन्स्टर फिर मम्मा के अंदर भी आ जाता है। क्या करना होता है उस मॉन्स्टर को भगाने के लिए? उठ के बैठ जाना होता है। और मॉन्स्टर क्या हो जाता है? भाग जाता है। ठीक है, तो सब मम्मा लोग और सब बच्चे लोग, अगर सुबह सुबह लेजुआ नाम का मॉन्स्टर आए तो पटाख से उठ के बैठ जाना है और मॉन्स्टर दरवाजा से भाग जाएगा। ओके ओके रचित। आप में से शायद ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता नहीं होगा कि मैं IAS एग्ज़ाम की तैयारी तो करती ही थी, लेकिन इसके अलावा मेरा अपना कोचिंग था जहां मैं UPSC IAS एग्ज़ाम और BPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करवाती थी स्टूडेंट्स को। लेकिन मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण वो कोचिंग बंद हो गई और फिर रचित हो गया, तो उस कारण से फिर वो क्लासेस जो है वो बंद हो गई। लेकिन बाद में फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और ऑनलाइन भी अच्छी खासी क्लास चल रही थी, तो मैं अभी भी ना उन चीज़ों से अपडेट रहती हूँ। अभी भी मैं वही पढ़ रही थी, BPSC के एग्ज़ाम होने वाला है तो बैक ईयर क्वेश्चन का जो चेंजेस आया है ना वो देख रही थी। तो मुझे याद आया अभी 30 तारीख को BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो मुझे याद आया कि जब एग्ज़ाम होने को होता है ना, आप 5 महीना कितना भी पढ़ ले, कोई भी स्टूडेंट अगर आपके घर में भी कोई एग्ज़ाम दे रहा होगा तो आप देखिएगा, आप कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम के जो आखिरी के 4-5 दिन होते हैं वो लगता है उस समय ये फीलिंग आती है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना तो शायद पढ़ लेते, शायद ये कवर कर लेते। ये वाली जो फीलिंग है ना, वही एग्ज़ाम में आपको, वही आपके बैटल में आपको हरा देती है। और इस समय वो जो 5 दिन में क्या फीलिंग होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो आप अगर कर लेते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम ना सिर्फ अच्छा होता है बल्कि आपके प्री में आप क्वालिफाई भी कर जाते हो। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि आज मोटिवेशनल मंगलवार है तो मैंने वीडियो पोस्ट किया मोटिवेशनल मंगलवार की, और इससे पहले भी मैंने ना BPSC की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी, कैसे, जिन लोगों ने कभी तैयारी नहीं की है कैसे तैयारी शुरू करनी, उससे रिलेटेड गाइड की वीडियो, फिर प्रीलिम्स की तैयारी बेसिक से कैसे शुरू करें उसकी एक एक क्लासेस ली है, प्रीलिम्स की तैयारी के बाद बैक ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कैसे करना उसकी मैंने 100 क्लासेस ली हुई है, बैक ईयर क्वेश्चन रिवीजन करने के बाद कैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है मैंने अलग से टेस्ट सीरीज चलाया हुआ है, फिर मेंस की तैयारी के लिए नोट्स कैसे बनाना, मेंस की तैयारी का पूरा गाइड का एक वो है, पूरा प्लेलिस्ट है। तैयारी शुरू करने के बाद मेंस का नोट्स, मेंस की क्लासेस ली हुई है सारे सब्जेक्ट्स की, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, CV कैसे तैयार करना, मतलब आपका दिमाग में जो थॉट आता है ना कि हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, वहाँ से गाइड करने से लेके आपके फाइनल सिलेक्शन तक की मैंने ढेरों प्लेलिस्ट बना के तैयारी की क्लासेस ली हुई है। अगर आपके घर में कोई भी तैयारी कर रहा होगा ना, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करके देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी जब भी BPSC एग्ज़ाम होने को होता है ना, तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स का मैसेज आना शुरू हो जाता है कि मैम 5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में, क्या करना चाहिए, आप कोई ऐसा मतलब कंटेंट सजेस्ट करिए जो लास्ट टाइम में देख लो। तो मैं अपना ऐसे कंटेंट्स उन लोगों को अपनी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, वो रिवीजन करते हैं। फिर मुझे लगा कि शायद ये जो लोग मेरी ब्लॉग्स भी देख रहे हैं उनके घर में भी कोई ना कोई ज़रूर तैयारी कर रहा होगा, तो मैं अपनी इस ब्लॉग के थ्रू उन तक मैसेज पहुँचा सकूँ कि आखिरी के कुछ दिनों में आपको कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। खैर, सुबह से मैं अभी तक यही सब पढ़ रही थी, देख रही थी कि समय के हिसाब से कैसे क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और अब मेरा टाइम हो गया है खाना बनाने का। और आज मैं खाने में बना रही हूँ दही भिंडी की सब्ज़ी, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो एक बार अपने घर में बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरी ब्लॉग्स में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। आज दिन के खाने में मैंने बनाया है दही वाली भिंडी, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। भिंडी एक्चुअली थोड़ी सी कड़ी हो गई थी, तो ऐसे में भिंडी की भुजिया अच्छी नहीं बनती, लेकिन दही वाली भिंडी अच्छी बन जाती है। तो इसके लिए क्या किया, भिंडी को धुल के काट लिया था और कढ़ाई में ऑयल डाल के सबसे पहले भिंडी को हल्का सा फ्राई कर लिया, वो भी तेज़ फ्लेम पर, धीमे आँच पर नहीं, तेज़ फ्लेम पर,
थोड़ा सा नमक डाल करके, तेल में ही नमक डाल दिया और फिर भिंडी को फ्राई कर दिया। भिंडी वैसे भरवा भिंडी बहुत अच्छी लगती है, तवा भिंडी अच्छी लगती है, और एक भिंडी बनती है लहसुन के फ्लेवर वाली, वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। प्याज टमाटर वाली भिंडी बहुत अच्छी बनती है, भिंडी की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन हमारे घर में सबसे फेवरेट ये दही वाली भिंडी है, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि ये चावल दाल से भी बहुत अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपका मन आप जिसके साथ भी खा लें इसको। तो भिंडी को तेज आंच पे छोड़ दिया है, उसके बाद मैंने मसाले की तैयारी की। मसालों में मैंने लिया है 2 से 2.25 चम्मच के अराउंड दही, ताजी दही जमी भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी खट्टी होगी तो वो भी चलेगी। और फिर इसमें 2 चम्मच बेसन मिला दिया, यही एक छोटा सा ट्विस्ट है। बहुत सारे लोग दही वाली जो भिंडी बनाते हैं तो उसमें बेसन नहीं मिलाते हैं, लेकिन आप बेसन मिला करके बना के देखिएगा, भिंडी बड़ी टेस्टी बनती है। फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, जो कि कॉमन है आपके मसालों के डब्बे में ज़रूर होगा। और अब इसको हल्का सा पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैंने इसमें मिला दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इस पेस्ट को खूब अच्छे से तैयार करेंगे हम। नमक उसी अकॉर्डिंग मिलाइएगा जितना आपने तेल में भी मिलाया, उसी अकॉर्डिंग इसमें नमक मिला दिया। और अब इसका बैटर अच्छा सा बन जाएगा, देखिए थोड़ा सा पानी मिला के इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया है। और जितनी देर में ये सारी चीज़ें की भिंडी, उतनी देर में हल्का फ्राई हो चुका है। ये देखिए भिंडी फ्राई हो गया, तो फिर मैंने भिंडी को निकाल दी और फिर इसी कढ़ाई में भिंडी की सब्ज़ी बनाई। बर्तन ज़्यादा ना जूठे हों, उसकी सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है कि आप इसी को यूज़ करिए। जैसे कुकर में भी अगर आपने दाल बनाया, दाल को खाली कर दीजिए, उसी में चावल बना दीजिए, तो दो दो कुकर नहीं जूठे होते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया तो वही बढ़िया सा पेस्ट जो तैयार किया था वो डाल दिया, और लो मीडियम फ्लेम पर इसको ऑयल ऊपर आने तक भून लेना है। जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक भूनना। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, रंग अच्छा आता है, तो मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। और अब इसको अच्छे से भून लिया, जब तक कि बेसन और दही दोनों अच्छे से भून जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि भिंडी तो ऑलरेडी हमने थोड़ी फ्राई कर ही ली थी। तो अब देखिए ये, अब इसमें मैं भिंडी मिला दूंगी और मिक्स करके इसको लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने दूंगी। बस उसके बाद दही वाली भिंडी तैयार हो गई। आप चाहें तो भिंडी इसमें लंबे लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, वैसे भी बनती है। और शादियों में आपने ज़रूर खाया होगा, अगर तवा भिंडी खाया है तो दही वाली भिंडी भी ज़रूर खाई होगी। तो अगर एक ही तरह से आप भिंडी बनाते हुए खाते हुए बोर हो गए तो एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब इसको ढक के पकने दूंगी। और रात में मुझे रात की भी तैयारी करनी थी, मुझे टिफ़िन की भी तैयारी करनी थी, तो थोड़ा सा आज अलग टाइप का रचित के लिए टिफ़िन बॉक्स भी सोचा है, तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फिर इसके बाद जो डेली रूटीन होता है, खाना पीना करना, वॉशिंग मशीन से कपड़े फैलाना, सूखे हुए कपड़े तय करना, वो सारा चीज़ किया, वीडियो एडिट किया, आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट किया मोटिवेशनल मंगलवार की, और फिर रचित को ट्यूशन पढ़ाने बैठ गई। ट्यूशन में कल उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कराए। सैम्पल पेपर में वही क्वेश्चंस देती हूँ जो वो ज़्यादातर अटकता है, जो चीज़ें वो अच्छे से लर्न है उसको बार बार रिविज़न कराने से कोई फ़ायदा नहीं, वो मैं उससे ओरली उससे सुन लेती हूँ क्वेश्चन पूछ करके, और बाकी उससे रिटर्न वर्क करा लेती हूँ। इससे क्या होता है, एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है, बच्चों की स्पीड भी बढ़ जाती है, और बच्चों को पता चल जाता है कि वो मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमारे टाइम में हमें याद है कि अगर आपको ज़ुबानी कोई चीज़ नहीं याद है तो आपके हाथ को वो चीज़ याद हो जाती थी, लिखते लिखते राइटिंग प्रैक्टिस करते करते हाथों को भी याद हो जाता है कि इस शब्द के बाद क्या लिखना है। खासकर इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है, लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है 5-5, 6-6 लाइन के आंसर लिखना, एस से लिखना, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए बेस्ट टास्क होता है। इसके बाद मेरे पास कच्चा पपीता रखा हुआ था, तो मैंने इस पपीते को छील लिया और जो इसका पका हुआ पार्ट था उसको मैंने और रचित ने खा लिया, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा बच गया। तो मैंने सोचा इसका क्या यूज़ करूँ, या तो इसकी सब्ज़ी बना सकती हूँ, या इसके पराठे बना सकती हूँ, या फिर इसका अचार बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने 2-3 बड़े टुकड़े कद्दूकस कर लिए पपीते के, और इसका मैंने सोचा कल टिफ़िन में रचित को इसके पराठे दूंगी। पपीते के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, इतने सारे फ़ायदे होते हैं, जो शायद मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे आपसे शेयर किया हुआ है। और 2-3 टुकड़ा पपीता का कद्दूकस किया, उसमें 1/2 चम्मच से 1.5 चम्मच गेहूं का आटा और 2 चम्मच बेसन मिलाया। बेसन जो होता है वो पराठे को सोंधापन देता है। इससे पहले ना मैंने आपसे लौकी के पराठे की भी रेसिपी शेयर की, उसमें भी मैंने आपको बताया था। फिर अपना फेवरेट ज़ीरा पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ताकि देखने में भी अच्छा आए। और इसके बाद फेवरेट इन्ग्रीडियंट होता है पराठे का कि आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन या मंगरायल डाल दें, तो मैंने अजवाइन डाला और मोइन के लिए इसमें घी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जितना पपीते के पानी से सन पाएगा, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी मिला के इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंथ के
रख दूंगी और सुबह रचित को टिफ़िन में यही पराठा और सब्ज़ी बना करके दूंगी। तो बच्चों को एक चेंज भी मिल जाता है और ये हेल्दी भी होता है। तो बाकी तो मैं आपसे सुबह इसके रेसिपी जब पराठा बनाऊंगी वो शेयर कर लूँगी, लेकिन आप भी चाहे तो इसी तरह से लौकी के पराठे भी बना सकते हैं, मूली के पराठे बना सकते हैं, ऐसे डेली अलग अलग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। रात में मैंने बनाया है मटर पनीर और पूड़ी। रचित खाना खा के सो गया, मैं अकेले बैठ के खाना खा रही थी और न्यूज़ सुन रही थी। तो आपको आज के ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइए।